हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 650 के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंट में मीडिया रिपोर्ट में इसका कुछ अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉयल इनफील्ड ने इंडियन मार्केट में अपनी फर्स्ट प्योर एडवेंचर बाइक हिमालयन को 2016 में लॉन्च किया था। ये एक प्योर ऑफ रोडर बाइक है जिससे आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। इस बाइक में काफ़ी सारे अच्छाइयाँ भी हैं और इस बाइक में काफ़ी सारी बुराइयाँ भी हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत इस बाइक में यह है कि इस बाइक में आपको उतनी स्पीड नहीं मिलती जितनी 400 cc की बाइक में आपको मिलना चाहिए। बट अब आप कुछ टाइम वेट कीजिए क्योंकि अब रॉयल इनफील्ड हिमालयन को 650 cc इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट और भी बताता चलता हूँ कि हिमालयन की जो 411 cc की बाइक है उसमें भी एक न्यू इंजन के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा उस बाइक को भी, जिसमें पैरेलल ट्विन इंजन लगा होगा जिसमें आपको ज़्यादा पावर, टॉर्क और स्पीड भी मिलने वाली। अब वहीं बात करें हिमालयन 650 की, तो काफ़ी महीनों से इस बाइक के लॉन्चिंग को लेकर रूमर्स निकल रहा है, सामने आ रहा था, बट अब कंपनी इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर चुकी है। इनफील्ड को भी अब समझ में आ रहा है कि हिमालयन 650 की डिमांड बढ़ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रॉयल इनफील्ड की मैक्सिमम बाइक को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इंडियन रोड पे ही इसको टेस्ट किया जाता है, बट जो हिमालयन की 650 cc की बाइक होने वाली है उसको UK टेक सेंटर में डेवलप किया जा रहा है। इसमें आपको 650 cc पैरेलल ट्विन इंजन के साथ ये बाइक ऑफर की जाएगी और इसमें जो पावर उम्मीद लगाई जा रही है वो है 49 BHP की पावर और 55 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, जिससे आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा स्पीड भी मिलने वाला है। अभी जो रिसेंट अपडेट है कि रॉयल इनफील्ड की टेक्नोलॉजी सेंटर जो यूनाइटेड किंगडम में है वहीं पर इस बाइक का सारा काम चल रहा है। रॉयल इनफील्ड का डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एक प्राइवेट जगह पर है जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। इसको लास्ट ईयर जनरल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था इस जगह के लिए, इसमें सिर्फ ऑफिशियल लोग ही आ जा सकते हैं, क्योंकि रॉयल इनफील्ड हिमालयन 650 cc की जो बाइक है उसका स्पाई इमेज लीक ना हो जाए या डिटेल्स आउट ना हो जाए, इसके लिए कंपनी ने इसको जनरल पब्लिक के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया है लास्ट ईयर से ही। क्योंकि अभी जो 650 cc की हिमालयन होने वाली है उसको एक ज़बरदस्त लुक के साथ एक काफ़ी बार चेक करने के बाद ही कंपनी इसके बारे में कुछ हमें अपडेट दे। तो अभी ज़्यादा कुछ अपडेट लीक नहीं हुआ है, बस यही अपडेट लीक हुआ था कि UK में इसको डेवलप किया जा रहा है। वैसे कंपनी ने भी ऑफिशियल बताया है कि वो हर 3 से 4 महीने पर अपनी एक न्यू बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगी और इससे पहले भी कंपनी ने अपने कुछ अपकमिंग बाइक के नाम को डिस्क्लोज किया है, जैसे शेरपा हो गया, हंटर हो गया और भी काफ़ी सारे बाइक है। वहीं अगर हिमालयन 650 की लॉन्चिंग की बात करें तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर तक इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर में मिड या नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, इस बाइक से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट मुझे फ्यूचर में मिलता है तो मैं सबसे पहले आप सभी को अपडेट कर दूंगा, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है वो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट करता हूँ या स्टोरी में डालता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बना के उसको डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही अपडेट कर देता हूँ, जिससे मेरे सब्सक्राइबर या जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये अपडेट मिल जाए कि अभी फिलहाल ऑटो न्यूज़ में क्या अपडेट चल रहा है, क्या न्यूज़ है। तो आप कोशिश करें मुझे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विथ बाइक रजत, आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का आईडी का, तो वहाँ से भी आप मुझे क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।